हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में। जैसे कि हम डिवाइस नेम को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है अबाउट डिवाइस, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है डिवाइस नेम, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो कट करेंगे। कट करने के बाद कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वीवो लिख लेता हूँ, सेव कर लेते हैं और आपका वीवो हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, डिवाइस नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। सर्च में शो होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज, स्टोरेज को आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, क्लीन करना चाहते हैं क्लीन कर सकते हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ, इसलिए हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 64 GB मेरा टोटल है और 56 GB मेरा यूज़ हो चुका है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।